हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक शशुका की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम अपने देसी स्टाइल में बना के दिखाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे आप पूरी, पराठा, चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं या पाव के साथ खा सकते हैं, और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक शशुका बनाने के लिए हमने गैस पे एक पैन ले लिया है। पैन को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। तेल में जीरा अपना चटक चुका है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, तो इसे हमें काला नहीं करना है। जैसे ही चटकने की आवाज़ आने लगे, उसमें आप डालिए प्याज। तो यहाँ पे हमने दो बड़े प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। हम इसी तेल में छोड़ देंगे और करीबन इसे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप देख सकते हैं अपना प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। ये बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा हमने इसे दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे 3 हरी मिर्च, जिसे हमने छोटे छोटे काट रखे हैं। अब हम प्याज के साथ इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं अपना प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च अच्छे से भून चुका है। अब हम फ्लेम को स्लो करके इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम पसंद है तो आप 1.5 चम्मच कर दीजिए। मसाला को हम आधे मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि ड्राई मसाला भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम इसे आधे मिनट तक भून लेंगे। मसाला को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर को एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। तो हम अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद आपको पता ही होगा, तुरंत हम नमक डालते हैं। इससे क्या होता है, टमाटर जल्दी गल जाता है। तो हम टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। नमक को हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम फिर से मीडियम कर लेंगे, क्योंकि मसाला भूनते टाइम हमने गैस स्लो कर लिया था। मसाला डालने के बाद हमने टमाटर डाला। टमाटर को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स किया, फिर नमक डाला। अब हम नमक डाल दिए हैं तो टमाटर को कवर करके 2-2 मिनट पर चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे, बीच में हमें चलाना नहीं भूलना है। जब तक अपना टमाटर गलेगा तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए हम एक बार अपना टमाटर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट टमाटर गलना शुरू हो चुका है। अच्छे से पानी भी छोड़ दिया है, तो हम एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे।
जैसा कि हमने बताया, हम देसी स्टाइल में अपना एक शक्शुका बना रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे एक कटोरी फ्रेश मटर का दाना। मटर को हमने छील-छील धो लिया है। अब हम इसे टमाटर के साथ भून लेंगे। तो हम ऐसे मिक्स करके हम कवर करके इसे भी 2 मिनट तक पकाएंगे। तो चलिए एक बार हम अपना मटर चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मटर की कलर जैसे की तैसे है और अच्छे से पक भी चुकी है। तो हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी गल चुका है, मटर भी पक चुका है। हम इसे चलाते हुए अच्छे से 2 मिनट और भूनेंगे। अब हम साथ में डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया। तो जैसे कि हमने पहले ही बोल रखा है, हम देसी स्टाइल में एक शक्शुका बना रहे हैं, तो यहाँ हर्ब्स के जगह पे हम ढेर सारा धनिया पत्ता यूज करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, देसी फ्लेवर बन जाएगा ये अपना। धनिया को भी हम अच्छे से भूनेंगे और साथ में हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल रहे हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में हमें 1.5 से 2 मिनट और लग सकता है। सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं। आप देख लीजिए, अपनी कढ़ाई में तेल छोड़ना शुरू हो गया है, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हम पानी अपना अंदाज से ही डालेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, फिर ऐसे चला के देख लेंगे कि ग्रेवी की थिकनेस हमें कैसी चाहिए। ग्रेवी गाढ़ी है तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिए, थोड़ा सा ज्यादा कम, लेकिन गाढ़ी ग्रेवी ही चाहिए हमें, ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कैसी इसकी थिकनेस है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तेज फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो कवर कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आ गई है। हम एक बार इसे चम्मच से ऐसे मिक्स कर लेंगे। सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम इसमें अंडा तोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले फ्लेम को स्लो कर लेंगे और ऐसे हम एक जगह पे थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और इसमें हम 1 अंडा लेंगे। अंडे को हम ऐसे फोड़ लेंगे और इसको इस गड्ढे में ऐसे तोड़ लेंगे। हमें 2 मिनट तक उसकी छूना नहीं है, वहीं छोड़ देना है। जब तक कि अंडा अच्छे से सेप नहीं हो रहा है, तब तक हम उसके अपोजिट साइड में ऐसे गड्ढा बना लेंगे और इसमें हम 2रा अंडा तोड़ लेंगे। जब तक ये अंडा अपना सेट हो रहा है, तब तक हम दूसरे जगह पे एक ऐसे ही गड्ढा बना लेंगे और वहां हम 3रा अंडा तोड़ लेंगे। तो आपको जितना अंडा डालना है, आपके पैन में जितने अंडे आ सके, वैसे ऐसे ही तोड़ तोड़ के डालते जाइए। तो हमने अंडे को तोड़ लिया, ये लास्ट अंडा है मेरा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे जगह बनाते हुए डाल दे रहे हैं। आपको कम डालना है कम डालिए, बड़ा पैन है तो ज्यादा डाल के बनाइए। ये अपना एक शक्शुका के लिए हमने अंडे तोड़ दिए, हमने 8 अंडे तोड़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अंडे के ऊपर हल्का हल्का सॉल्ट स्प्रिंकल करना है। हल्का हल्का यानी कि 1 अंडा में जितना लग सके उतना ही हम डालेंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं डालना है।
और उसके बाद हम इस पे डालेंगे रेड चिल्ली। आपके पास चिल्ली फ्लेक्स हो तो उसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि खाने में ये फीका ना लगे इसके लिए हम डालते हैं। तो हमने सभी अंडे पे नमक और मिर्च का छिड़काव कर दिया। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे सेट होने तक छोड़ देंगे, यानी कि अपने अंडे सेट हो जाने चाहिए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो चलिए हम एक अंडा आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं कि अपना अंडा अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो ऐसे हम जहाँ पे अंडा डाले हैं धीरे धीरे कट लगा लेंगे आराम से, और स्पून से हम इसे ऐसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी एक शिशुका का अंडा जो है अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको लगता है कि अंडा सेट नहीं हुआ है तो 1.5 से 2 मिनट और पका लीजिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया एक शिशुका बनाना कितना आसान है, वो भी देसी स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप पूरी, पराठा, रोटी या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।